इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, मॉड ए इक्वल टू थ्री, मॉड बी इक्वल टू प्लस फाइव ही होगा और मॉड सी इक्वल टू सेवन। वेक्टर बी का मॉड है ना, तो माइनस नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ, अब बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिनका एंगल पूछा उन दो वेक्टर को छोड़ के, अगर ए और सी का पूछा तो ए और सी, बी सी का पूछा तो बी और सी, बिल्कुल ये ऐसा टाइप है, ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप है जिनको आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू लिखा माइनस सी, अगर ए और बी का पूछा एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है। तो मॉड ए दिया है थ्री, तो ये हो गया नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टू मॉड ए मॉड बी इक्वल टू फोर्टी नाइन, ये हो गया थर्टी फोर, तो फिफ्टीन, तो टू टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड इस ए मॉड ए मॉड बी की वैल्यू भी तो है ना, टू इंटू थ्री इंटू फाइव कॉस थीटा इक्वल टू फिफ्टीन, तो कॉस थीटा इक्वल टू बोलो वन बाय टू, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री, थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री। यहां वेक्टर मतलब मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए आप ये प्लस कर लीजिए।